फैक्ट्री में मजदूर की मौत के बाद सड़क पर शव को रखकर किया हंगामा। मथुरा से ये खबर आपको बताने जा रहे हैं। गोकुल रेस्टोरेंट पर औद्योगिक क्षेत्र के एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने देर रात डी गेट पर शव रखकर हंगामा किया। पुलिस ने काफी देर समझाया और मामला शांत करवाया। थाना जेत के गोकुल रेस्टोरेंट क्षेत्र स्थित निकेल पॉलिश ज्वेलरी फैक्ट्री में काम करने वाले आदिल निवासी जयसिंहपुरा की बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि वो खड़े खड़े ही गिर गया, बाद में उसकी मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि आदिल की हत्या की गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया तो परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। प्रभारी निरीक्षक अरुण पवार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामान्य मौत की पुष्टि की गई है। रात को डी गेट चौकी पर उमड़े पोस्टमार्टम के बाद आदिल के परिजन एक बार की शव घर ले गए, लेकिन रात करीब 8:15 बजे शव लेकर भीड़ के साथ डी गेट चौकी पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। इससे मौके पर जाम लग गया। हंगामा करने वाले फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने मांग की। एहतियात के तौर पर कई थानों की फोर्स को मौके पर बुला लिया गया। करीब 1.25 घंटे तक शोर शराबा होता रहा। इसके बाद आला अधिकारियों के समझाने पर परिजन शव को टेम्पो में रखकर घर ले गए। इसके बावजूद परिजन नहीं माने। शव जयसिंहपुरा खादर स्थित घर पहुंचने के बाद भी पुलिस अलर्ट पर रही। परिजनों की मांग थी कि आदिल की हत्या की गई है। सीओ सिटी अभिषेक तिवारी ने बताया कि मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। तहरीर मिलने पर मुकदमा